कोलमार फ्रांस पूर्वी हिस्से में एक पुराने शहर को लिटिल वेनिस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें कई खूबसूरत नहरें और पुल हैं जो इटली के वेनिस की याद दिलाते हैं। फ्रांस के सबसे रोमांटिक गांवों में से एक होने के नाते यह जगह कभी मियाज़ाकी हयाओ की एक कैसल के रूप में भी दिखाई गई थी। कहा जाता है कि मियाज़ाकी ने यहां दृश्यों के लिए ठहराव किया था और कई दिनों तक रुके थे। जैसा कि हार ने कहा, अगर सुंदरता नहीं है तो इस दुनिया में जीने का क्या मतलब है। कोलमार में आप विभिन्न शैली की इमारतों का आनंद ले सकते हैं। उनमें आर्केडियन शैली है और एक पुराने आकर्षण को बरकरार रखा गया है जो एक समय यात्रा जैसा एहसास देता है। गांव की तंग गलियों में टहलते हुए पुराने रंग बिरंगे लकड़ी के मकानों के बीच से गुजरते हैं। खिड़की पर रंग बिरंगे ताजे फूलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम एक खूबसूरत परियों की कहानी में हैं, जिससे दूर हटने का मन नहीं करता। कोलमार के पुराने शहर में ऐसा लगता है जैसे आप एक जीवंत मध्यकालीन पेंटिंग के भीतर हैं। पत्थरों से बना यह छोटा रास्ता आपको विनीशियन द्वीप समूह का दौरा कराता है। दो किनारों पर रंगीन लकड़ी के घर साफ नदी के पानी में प्रतिबिंबित होते हैं। हर खिड़की एक प्यारी कहानी बताती है। सर्दियां आते ही कोलमार एक परी कथा जैसी क्रिसमस वंडरलैंड में बदल जाता है। यूरोप के सबसे सुंदर क्रिसमस बाजारों में से एक के रूप में प्रसिद्ध, यहाँ रोशनी और गर्माहट में ग्लूवीन और जिंजर ब्रेड की सुगंध फैली होती है। हाथ से बने शिल्पकारियों की शोभा, पारंपरिक लकड़ी के खिलौने और अल्सेसिया के विशेष पाक व्यंजनों के साथ हर आगंतुक एक घनी त्योहार की आभा में डूब जाता है। कोलमार के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता भी मनमोहक है। चाहे आप अंगूर के बगीचे की छोटी पगडंडियों पर सवारी कर रहे हों या आर्केडियन जंगल के शांत रास्तों पर टहल रहे हों, आप प्रकृति के करीब होंगे। कोलमार एक ऐसी जगह है जो कला, इतिहास, खानपान और प्रकृति की सुंदरता का फ्रेंच मैजिक है। चारों मौसमों में बदलाव के बावजूद यहाँ हमेशा आने के नए कारण मिलते हैं। क्या आप इस जादुई जगह पर कदम रखने और कोलमार की अनंत आकर्षण और विशिष्टताओं को महसूस करने के लिए उत्सुक हैं?